मेरा नाम है केतन भानुशाली और मैं इज इट प्यार, ठीक है, मेरा नाम है, हाँ मेरा नाम है केतन भानुशाली और मैंने इज इट प्यार जो फिल्म है आज आपने ट्रेलर जो देखा रहेगा उसका डायरेक्टर हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ, बट उसमें मेरी मम्मी का नाम यूज़ करता हूँ क्योंकि एक ही जगह पे दो नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। सो किस टाइप की फिल्म है और कैसा रहा ये जर्नी फिल्म की और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये फिल्म है लाइक अभी का जो ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग मिलते हैं और प्यार हो जाता है बट इन्हें पता नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी सी लव फिल्म है, लाइक रोमांटिक फिल्म है और रिलीजिंग की बात करूँ तो 2 महीने में रिलीज हो सकती है। हॉटस्टार से मेरी बात चल रही है और गौरव का कैसा रहा? सौरभ और मेरा एक्चुअली मैं वेब फिल्म करने जा रहा था तो इसने मुझे बोला यार एक काम करते हैं हम लोग इस फिल्म पे पहले काम कर लेते हैं, तो इसके बाद मेरी जो दूसरी फिल्म है हॉरर फिल्म है तो वो इज इट प्यार के बाद मैंने की थी तो उसका भी शायद कल पोस्टर रिलीज है, तो बात वही हो गई कि हम लोग करने जा रहे थे हॉरर फिल्म और रोमांटिक फिल्म करके आ गए। लॉकडाउन के अंदर हमने शूट किया गोवा में। इसमें रश्मि झा है, अनुज खुराना है जो कि यहाँ पे एसी में भी खेल रहे हैं वो भी, और आनंद शर्मा, ये 4 से 5 ही स्टार्स हैं जो काम कर रहे हैं इसमें। म्यूज़िक इसमें 2 गाने हैं और न्यू सिंगर है और आपको उसको सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे आपको ट्रेलर में भी गाने सुनने मिलेंगे तो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है। आनंद क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म में किस प्रकार का आपका किरदार है और कितने एक्साइटेड हैं आप उस फिल्म को लेकर और आप हाल ही में रिलीज होने वाली है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्साइटेड तो मैं काफ़ी हूँ क्योंकि ये मेरी डेब्यू फिल्म है, इससे पहले मैंने टेलीविज़न किया है काफ़ी सारा, लेकिन फिल्म में जो कैरेक्टर है बहुत ही अपीलिंग है, 2 दोस्तों की जर्नी है तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ और अच्छा रहा सब कुछ मिला जुला के, मतलब डायरेक्टर भी काफ़ी कोऑपरेटिंग थे, जो हमारे एक्टर्स थे को एक्टर्स वो भी काफ़ी कोऑपरेटिंग थे, तो ऑल इन ऑल इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है उस फिल्म के बाद, तो मतलब हम ऑफ सेट भाई जैसे हैं उस फिल्म के बाद, ऐसी बॉन्डिंग है हमारी। वेरी पर्टिकुलर, अपने काम को लेके काफ़ी डेडिकेटेड है, फोकस्ड हैं, मतलब रात रात भर इनकी जर्नी स्टार्ट चालू ही रहती थी कि कल क्या सीन करना है, वो सब सोचते ही रहते थे कंटिन्यूसली, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छा रहा, काफ़ी माहौल सेट पर जो था वो बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा मुझे इस टीम के साथ काम करके। बहुत एंजॉय किया गोवा तो एंजॉयमेंट का दूसरा नाम है। थैंक यू सो मच गाइस। From Mumbai Aces, produced by Hari Promotions, Creative Creations, and Eon Films. So please, Madhav, let's have that. Yeah. Over to you, Madhav. Yes, yes. Yeah. Congratulations for your movie. Would you like to say something? Yes. I'd like to wish you and everybody all the very best for this film, and like I said, it's for you. So I hope that the youth would find time to go and watch the movie. Yeah. All the very best. All the very best. एक बाकी मुझे घर चुप।
देने वाले सो नाउ इज द टाइम फॉर द शाइनिंग परफॉर्मर ऑफ द मैच एंड वी हैव कुशनेर विद अस स्टार परफॉर्मर ऑफ एसीडी एंड इट गोज टू आदित्य ओझा और दोनों हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं एसीडी के. आदित्य क्या कमी रहेगी यार? तो यही दिखता है कि स्पीड्स बहुत हुए, एक बाउंड्री बचा सकते थे फील्डिंग में, एक खराब बॉल जो हमने की थी वो कम कर सकते थे, एक बैटिंग में जो खराब शॉट खेला बॉल मिस कर दिया वो हो सकता था, हर टाइम का क्रिकेट जाना हो गया, हर टाइम का बहुत सारे रीजन्स हैं. बहुत छोटा मार्जिन था बट मैच बहुत अच्छा हुआ और आई थिंक फाइनल्स में मिलेंगे हम लोग अहमदाबाद लायंस को. और पिछला मैच जिस तरीके से आंखों ही आंखों में बात हुई है आदित्य की और गुलशन की कि मतलब हम तुम्हें फाइनल में देखेंगे, बहुत छोटे मार्जिन से आपका अच्छा है, पॉजिटिव में है. सो आई वुड रिक्वेस्ट गुलशन टू प्लीज हैंड ओवर द ट्रॉफी टू आदित्य ओझा फॉर द शाइनिंग परफॉर्मर ऑफ द मैच. ऐसा लग रहा था कि मैच सीधा पूरा मैच ही बदल गया. थैंक यू सर, थैंक यू. तो अरे रुक जाओ, काम है यार. क्या मतलब किस तरीके से आपने काम किया आज अपने टीम को फिर से जिता लिया. आई थिंक आज आप कैप्टन भी थे. बट ये भी एक टेस्ट था कि एनवी प्रेशर सिचुएशन से निकलना बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेम खेले यार तुम लोग. ऐसा लग रहा था कि चांस है.